ये बड़ी खबर। खबर चंदौली से है। जीआरपी ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से बड़ी संख्या में महंगे स्ट्रायल मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल की खेल आरोपी युवक दिल्ली से लेकर बिहार की समस्तीपुर जा रहा था। जीआरपी के अनुसार बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 13 लाख है। जीआरपी ने इस संबंध में आला अधिकारियों को सूचना दे दी है और जांच में जुट गई है। मोबाइल की ये खेप युवक किस लिए ले जा रहा था? दरअसल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। आज सुबह स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर नलकूप के पास स्थित शौचालय के समीप एक युवक बैग लिए खड़ा था। उसकी हरकत संदिग्ध दिख रही थी, जिस पर जीआरपी के जवानों ने युवक से पूछताछ की, जिस पर युवक घबराने लगा। जीआरपी जवानों ने जब युवक के बैग की तलाशी ली तो जीआरपी के जवान भी हैरान हो गए। बैग में बड़ी संख्या में मोबाइल रखा हुआ था। जब मोबाइल की गिनती की गई तो कुल 65 मोबाइल 4227 डेटा केबल बरामद हुआ है। जीआरपी जवानों ने युवक से मोबाइल के संबंध में एक जब दस्तावेज मांगे तो युवक कोई दस्तावेज नहीं दे सका। जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली ले आई। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह मोबाइल दिल्ली से चोर मार्केट से लेकर बिहार के समस्तीपुर लेकर जा रहा था। हालांकि युवक की बात से जीआरपी सहमत नहीं है। जीआरपी ने उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी है और आरोपी से पूछताछ में जुट गई है कि मोबाइल ले जाने के पीछे क्या मकसद है। वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि बरामद मोबाइल विभिन्न कंपनियों के हैं और कुल 65 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद हुआ क्या? ये एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है जिसके पास से 65 एंड्रॉयड फोन बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए है। ये दिल्ली चोर बाजार से ले आकर के समस्तीपुर बेचना बता रहा है। अब फिलहाल तो ये चोरी का ही दिख रहा है। अभी आगे ये त्यौहार के अवसर पर इतना क्यों मोबाइल जा रहा था, इस एंगल की जांच अभी आगे की जाए। क्या लगता है सर, त्योहारी सीजन है और समस्तीपुर बिहार, और इससे पहले भी एक दो मामले ऐसे आ चुके हैं? हाँ, पहले भी मोबाइल काफी मात्रा में बरामद हुआ है और इसको भी अब देखा जा रहा है, आगे जांच की जाएगी कि ये चोरी क्या है या अन्य कोई बात है क्या इस मामले मामले को उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल, सारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, अभी डिटेलिंग और उनको उपलब्ध कराई जाएगी। प्रसाद ग्राम पंचायत बरौक की फतेहपुर चौरासी उन्नाव की ओर से समस्त देशवासियों को धनतेरस, चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं।